everybody, welcome you all in my YouTube channel, The Lawyer's Creed. मैं हूं स्वाति और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस, इससे जुड़े essential conditions और इससे जुड़े कुछ important case laws. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं acceptance की definition. Section 2, clause B, ये बात करता है कि acceptance क्या होती है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, thereto the proposal is said to be accepted. जब किसी person को कोई proposal दिया जाता है और वो उस proposal पे अपना consent दे देता है, अपना assent दे देता है, signify कर देता है अपना assent, तब कहा जाता है कि उस proposal को accept कर लिया गया है और ये इस procedure को कहते हैं acceptance. यानी जब कोई proposal accept हो जाता है, यानी किसी ने proposal दिया, जिसको दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो जो होगा वो प्रॉमिस का रूप ले लेता है. यानी जब प्रपोजल दिया जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है. अब हम समझते हैं सेक्शन 2 सी क्या बात करता है. सेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमिसर है और जो पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिसी है. अब आगे हम समझेंगे एक्सेप्टेंस के इम्पॉर्टेंट कंडीशंस और काफी इम्पॉर्टेंट केस लॉस. अब हम समझते हैं एक एक्सेप्टेंस कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. उसकी एसेंशियल कंडीशन में सबसे पहला है मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो पूरे के पूरे ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे, पार्टली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. अनकंडीशनल, अगर मैं किसी को ऑफर दे रही हूँ वो सामने से मुझे ही ऑफर का कंडीशन देने लगे तो ये भी अलाउड नहीं है, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. एक एग्जांपल से इसे समझते हैं. ए ने बी से बोला कि मैं अपना घर तुम्हें 2 लाख रुपए में दूंगा. बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ये 2 लाख रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा. इसे एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि पूरे के पूरे एग्रीमेंट में ही वेरिएशन आ गया. इस एग्रीमेंट में कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे, पर जिसने इसको एक्सेप्ट किया उसने ऐसा कहा कि मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे दूंगा. तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो वो हो गई कंडीशनल हो गई, जिसे हम एक्सेप्टेंस मानते ही नहीं है. पहला पॉइंट है मस्ट बी एब्सोल्यूट, पूरे के पूरे ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे, किसी एक पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो अनकंडीशनल होना चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अगर आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस को भी उसे कम्युनिकेट करना है. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस. इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ एक मेयर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को हम एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे. एक आपने बस सोच लिया है कि हाँ मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस नहीं है. आपका कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन उस पर दिखना चाहिए, कोई स्पीच, कोई एक्ट या रिटन फॉर्म में कुछ भी ऐसा जो ये दिखाए कि हाँ आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं. तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है. कम्युनिकेशन वो बताता है जो सामने वाले तक आपकी बात पहुंचे, सामने वाले को ये समझ में आए कि हाँ आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया है. नेक्स्ट कंडीशन है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस. जनरल रूल ये कहता है अगर किसी एग्रीमेंट में दे रखा है कि इस तरीके से ही एक्सेप्टेंस की जाएगी तब तो वो उसी प्रिस्क्राइब मैनर में होगी. अगर एक एग्रीमेंट में नहीं दे रखा है कि एक्सेप्टेंस का मैनर क्या होगा तब वो रीजनेबल फॉर्म में होनी चाहिए. मतलब उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, उस पर्टिकुलर टाइप की एग्रीमेंट में जिस तरीके से एक्सेप्टेंस की जाती है एक्सेप्टेंस उसी मैनर में होगी. नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी मेड बाय ऑफरर. जो एक्सेप्टेंस आप ऑफर का कर रहे हो वो ऑफर को ही, ऑफरर को ही करोगे, किसी और को नहीं. मतलब एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको समझाती हूँ. पॉवेल वर्सेस ली का केस है. इसमें हुआ क्या था, ए ने एक हेडमास्टर के लिए अप्लाई किया था एक स्कूल में. वहाँ की जो सिलेक्शन अथॉरिटी थी उन्होंने ए को अपॉइंट कर लिया, पर अभी जो रिजल्ट थे वो कम्युनिकेट नहीं किए गए थे. पर हुआ यूं कि बी ने, जो सिलेक्शन अथॉरिटी का ही एक मेंबर था,
अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके ए को बता दिया कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो। पर होता क्या है, सब्सिक्वेंटली जो सिलेक्शन अथॉरिटी होती है वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है और वो किसी और को एज अ हेडमास्टर रख लेती है। तो यहाँ पर ए एक एक्शन कर देता है कोर्ट में, एक सू फाइल कर देता है कि मुझे पहले तो इन्होंने एज अ हेडमास्टर रख लिया और उसके बाद फिर हटा दिया। तो यहाँ पर ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है कोई भी डिसीजन देने वाला, अगर डिसीजन देगा तो वो सिलेक्शन अथॉरिटी देगा। सिलेक्शन अथॉरिटी ने बकायदा अगर आपको एज अ हेडमास्टर उन्होंने अपना रिजल्ट रख लिया था पर वो आप तक कम्युनिकेट नहीं किया गया था, तो इसीलिए एक एक्शन यहाँ पर फेल हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम दे रखा है तब तो उसी टाइम लिमिट में किसी भी एग्रीमेंट का एक्सेप्टेंस होगा, किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन अगर उसमें टाइम नहीं दे रखा है तो जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ऑफर दिया तो अगले साल उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है, नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है, ए ने जून में एक ऑफर बी को दिया जिसका आंसर एज एन एक्सेप्टेंस बी ने लेट नवंबर में उसको दिया कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ए इंटाइटल है कि वो बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट का जो टाइम है वो लैप्स हो चुका है। इसका मतलब या तो प्रिस्क्राइब टाइम अगर वो एग्रीमेंट में दे रखा है, नहीं तो एक रीजनेबल टाइम में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्टेंस, किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है हाइड वर्सेस रेंज। इस केस में ये कहा गया था कि अगर किसी ऑफर पर आप काउंटर ऑफर करते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। तो हुआ यूं था कि इसमें ए ने बी से कहा कि मैं अपना स्टेट तुम्हें 1000 pound में बेचूंगा, लेकिन उसमें बी ने कहा कि नहीं मैं 950 pound में तुम्हारे स्टेट को खरीदूंगा। दो दिन बाद बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ही प्राइस पे तुम्हारे स्टेट को खरीदना चाहूंगा, ठीक है मैं खरीद लूंगा। लेकिन यहाँ पर फिर ए मना कर देता है कि नहीं मुझे अब ये एग्रीमेंट नहीं करना। तो ये ए ऐसा करने के लिए इंटाइटल है। क्यों? क्योंकि जब इसने काउंटर ऑफर दिया तभी जो ओरिजिनल ऑफर था वो अपने आप ही टर्मिनेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।